हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिकास कुकिंग डायरी। आज मैं कोकोनट पान लड्डू बनाने वाली हूँ, जिसे हम खाने के बाद मुखवास के तौर पर खा सकते हैं, या फिर मेहमानों के लिए मीठे में कुछ अलग बनाना हो तब इस पान लड्डू को बनाकर मेहमानों को खुश भी कर सकते हैं। और वैसे भी जिन्हें पान खाना पसंद है उन्हें ये पान लड्डू बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए पान लड्डू बनाना शुरू करते हैं। पान लड्डू बनाने के लिए मैंने 6 से 7 कलकत्ता पान लिए हैं। अब इस पान के हम टुकड़े कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पान के टुकड़े कर लिए हैं। अब इस टुकड़ों को हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इसी के साथ हम इस जार में डालेंगे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। अब दोनों चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, पान और कंडेंस मिल्क एक साथ अच्छे से पीस कर उसकी पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने कड़े को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने रख दिया है। कड़े के गर्म होते ही गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम कोकोनट पाउडर लिया है, उसे कड़े में डाल लेते हैं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। कंटिन्यू चलाना जरूरी है वरना कोकोनट पाउडर जलने लगेगा। 30 सेकंड भूनने के बाद हमने यहाँ पर जो पेस्ट रेडी की है उसे इस कड़े में डाल लेते हैं। अभी भी इस जार में थोड़ी पेस्ट बची हुई है, तो थोड़ा दूध इस जार में डालकर जार में लगी हुई पेस्ट को दूध के साथ मिलाकर कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लड्डू के सुंदर से ग्रीन कलर को बढ़ाने के लिए इस मिश्रण में हम एक चुटकी ग्रीन फूड कलर डाल लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। यहाँ पर कटोरी में थोड़ा दूध बच गया है तो इसे भी डाल लेते हैं और अब इस मिश्रण को स्लो फ्लेम पर ठीक होने तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मिश्रण ठीक हो चुका है। तब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक कि ठंडा हो रहा है हम इसका स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, तो इस बाउल में हम सबसे पहले 6 से 7 काजू और 6 से 7 बादाम के बड़े बड़े पीसेस करके डालेंगे। उसके बाद लेंगे 100 ग्राम गुलकंद, 1 चम्मच सौंफ और 50 ग्राम टूटी फ्रूटी। आप अगर पसंद करते हो तो इलायची भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आप मिस ना करें। स्टफिंग भी रेडी है, तो अब आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो मिश्रण बनाया था वो ठंडा हो चुका है, तो अब हथेली पर थोड़ा घी लगाकर इस मिश्रण से बड़े नींबू के साइज का गोला बनाएंगे। और फिर गोले को इस तरह उंगलियों से दबाकर उसे कटोरी जैसा शेप देंगे। अब इस कटोरी में रेडी किया हुआ स्टफिंग भरेंगे और फिर कटोरी के किनारे को मोड़कर बंद करके लड्डू तैयार करेंगे। अब इस तैयार लड्डू को हमें कोकोनट पाउडर से इस तरह कोट करना है। आप देख सकते हैं कि ये पान लड्डू बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसे एक प्लेट में रख देते हैं और बाकी के लड्डू भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। जब तक मैं बाकी के लड्डू रेडी कर लेती हूँ तब तक आप मेरे इस रेसिपी वीडियो को लाइक कर दें। आपने रेसिपी को लाइक कर दिया और यहाँ पर मैंने सारे लड्डू को रेडी भी कर लिया। अब इस पान लड्डू को और ज्यादा खूबसूरत लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर चेरीज ली है। इन चेरीज को बीच में से काट कर
आधी चेरी को हम इस तरह लड्डू पर लगाएंगे। तो दोस्तों, लग रहा है ना पान लड्डू बेहद ही अट्रैक्टिव? तो आप भी इस कोकोनट पान लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही आपके दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी को शेयर करें। धन्यवाद। इस लड्डू को आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर 5 से 6 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।